परमात्मा के सम्मुख देता है धन्यवाद। तुम्हारा मेरे कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे घर में कभी संतान पैदा हो तो जो तुम्हारा बड़ा पुत्र होगा उस बड़े पुत्र पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, वो अधिकार मेरा। और आपने देखा भी होगा दशरथ जैसे सम्राट का दाह संस्कार राम ने नहीं किया और उस पक्षी जटायु का दाह संस्कार भगवान राम ने किया। इसलिए महाराज दशरथ जी बचन भी आए थे वहां बरगद के पेड़ के नीचे। इस कारण से आज कह रहे विश्वामित्र से केशव सुत प्रिय मोई प्राण की और राम देह दाना बने ध्यान रखना। ये 501 रुपए की हार माला से सम्मानित किया है। 100-100 रुपए शास्त्री मंडल को हैं। ये गोलू यादव हैं टूंडला से, ये भी हमारे भांजे हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, आगे बढ़ाता रहे। श्रोता बंधु, आज भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के आए हैं। भगवान श्री राम ने पापियों का विनाश किया, ताड़का का वध किया। ताड़का का वध किया भगवान राम ने, मारीच को बिना नोक की बाण से 100 योजन दूरी पर फेंका, 100 योजन 400 कोस। आगे जब गए थे गौतम ऋषि की नारी जो थी अहिल्या, ध्यान रखना वो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की बन गई थी। यहां दो मत है, पहला मत है पत्थर की बन गई थी, दूसरा मत है कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी में इतना मनमुटाव हो गया था कि वो बोलती नहीं थी, ऐसे खड़ी रहती थी जैसे मानो पत्थर की खड़ी हो। तो भगवान राम ने उनका मेल कराया, प्रथम बात तो यह है। और पौराणिक कथा के अनुसार से दूसरा मत यह है कि भगवान राम ने जब पूछा था गुरु जी से ये कौन है तो बताया कि ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, पति के श्राप से पत्थर की बन गई है, ये राम तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो भगवान राम ने आज पैर की नस से उसका उद्धार किया है। बोले सियावर रामचंद्र की उद्धार हुआ। इधर महाराज जनक के यहां सीता का स्वयंवर था। सीता का जन्म कैसे हुआ? एक बार दुष्ट रावण ने जब सबसे कर ले लिया था, कोई नहीं छोड़ा, केवल संत रह गए थे, तो उसके दूतों ने कहा महाराज और तो कर सबने दे दिया लेकिन महात्मा रह गए। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जा सब। तो उस पापी ने जब संतों पर चढ़ाई की तो महात्मा बोले कि हम पे है ही का है, जब बिल्कुल सूखे सागे गिरिजानंद महात्मा बैठे हैं, मैंने कोई मांगे कि देना तो फलाओ। तो महात्मा बोले कि महाराज हमारे तो शरीर में खून भी सो जाए, ले जाओ। रावण जैसे पापी निकल तो खून भी खिंचवाओ। तो खून तो खिंचवाया लेकिन खून खिंचवा करके खड़ा कर दिया। ध्यान रखना, आपने कथा सुनी होगी बार बार, ये कहावत भी सुनी होगी कि पाप को घड़ावे घरों नाए, कही जाती है बात। वो पाप का घड़ा उस दुष्ट रावण का बोरी भरा गया, संतों का खून भरवा दिया घड़ा, लेकिन जिसने वो पापी उस कलश को लेकर के ये घोषणा करता है कि पूरे विश्व में कोई नहीं बचा जिसने मुझे करना दिया। महात्मा का बोले गिरिजानंद के ले जा, समझ का अंतर कितना रहा। महात्मा बोले कि यही खून तेरे नाश का कारण बनेगा।
सभी ताली बजा करके बोलेंगे Thank you.
और